आज की वीडियो में मैं आपको इंग्लिश के लेटर जेड के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूँ। आइए देखते हैं इसको हम क्या प्रोनाउंस करते हैं। जेड बोलते हैं, जेड फॉर जीरो, जो कि एग्जाम्पल है किसका, ब्रिटिश इंग्लिश का। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मेरा आपसे कि हमारे पास एक इंडियन चैनल है, इसे आप क्या प्रोनाउंस करते हैं, जी टीवी बोलते हैं, जेड टीवी बोलते हैं। आपका आंसर होगा सर इसको जी टीवी बोला जाता है। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो, इसे जी टीवी बोला जाता है, मगर यहाँ पे क्या सिखाया जा रहा है, जेड, तो जी क्यू बोला जाता है इसको। तो यही आपको मुझे इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना था कि इस जेड को जेड तो बोलते ही हैं कि साथ साथ इसको क्या भी बोला जाता है, जी भी बोला जाता है, प्रोनाउंस किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है ऐसा? ऐसा होता है अमेरिकन इंग्लिश के अंदर जी, कि इस अमेरिकन इंग्लिश में इसको जेड ना प्रोनाउंस करके क्या प्रोनाउंस किया जाता है, जी। वहाँ पे सिखाया जाता है कि जी फोर जीरो, नॉट जेड फोर जीरो। ब्रिटिश में जेड फोर जीरो, अमेरिकन में जी फोर जीरो, अमेरिकन इंग्लिश का एग्जाम्पल है। शायद इसीलिए इसको यहाँ पर हम जी टीवी प्रोनाउंस करते हैं, ऑल दो वहाँ पर लिखा होता है डबल ए जी टीवी। क्योंकि क्या होता है, इंडिया के अंदर हम ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश मिक्स यूज़ करते हैं, टीवी मूवीज वीडियोस के अंदर ऐसा होता है। और ऐसे ही एक और हमारे पास चैनल है जेड टीवी, इसको जेड टीवी बोल रहा हूँ मैं, मगर ये इंडियन प्रोग्राम या फिर चैनल नहीं, ये एक बाहर का प्रोग्राम वेबसाइट है, आप गूगल करेंगे तो इसके बारे में पाएंगे। ठीक है, इसे जेड टीवी बोला जाता है, जबकि वहाँ पे भी लिखा हुआ है ईडी पहले से, मगर फिर भी जी क्यों, जेड क्यों? तो उसकी वजह ये है, ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश। तो बस मुझे आपको यही एक फैक्ट बताना था कि जेड को हम प्रोनाउंस जेड भी करते हैं, साथ ही साथ जी भी कर सकते हैं।